महापुरुष ते चरणारविंदम। जय महाकाल दोस्तों, मैं आचार्य मुरारी लाल। आज हम बात करने जा रहे हैं जीवन में प्रेम विवाह संभव है या नहीं, किन जातकों को जीवन में प्रेम मिल पाता है और किन को नहीं मिलता है, इस विषय पर एक छोटा सा वीडियो में बनाने का प्रयास किया है। आप भी जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में अगर यह योगों की स्थिति है तो आपका प्रेम विवाह होगा। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग नहीं है तो आपका प्रेम विवाह नहीं होगा। वह प्रेम आपका बीच में टूट जाएगा, मतलब वह विवाह में परिणत नहीं होगा। देखिए, प्रेम विवाह के लिए 3-4 चीजों की आवश्यकता है। एक है आपका 7th हाउस, आपका 5th हाउस, आपका 11th हाउस, आपका 3rd हाउस और आपका 12th हाउस। क्यों? देखिए, आपका कोई संबंध इत्यादि की बात करें तो 5th हाउस को लिया और विवाह के बाद परिणित होगा तो 7th में जाकर के इफेक्ट करता। इच्छा पूर्ति हमारी 11th हाउस से होती है और 3rd हाउस हमारे संबंध को रिफ्लेक्ट करता है, और विवाह के बाद जब 7th के लिए जाते तो 12th हाउस हमारे जीवन को रिफ्लेक्ट करने वाला होता है, प्रभावित करता है। मतलब तो हमारी आपकी कुंडली यानी कि 7th हाउस और 5th हाउस का संबंध हो तो आपको समझिए आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के प्रबल योग है। 5th, 11th और 7th का संबंध हो तो समझिए आपकी कुंडली में बहुत प्रबल योग बन रहा है। 11th, 3rd और 5th और 7th, इनका चारों का कॉम्बिनेशन कहीं अच्छे ढंग से राहु से भी युक्त होकर के हो रहा हो तो समझिए पक्का आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का संबंध बन रहा है। वैसे प्रेम विवाह को बनाने वाले 3 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं, वे हैं मंगल, शनि और राहु। इन ग्रहों का जब जब आपके 7th हाउस पर प्रभाव होगा, आपकी लगन पर प्रभाव होगा, आपकी जुपिटर अर्थात बृहस्पति पर प्रभाव होगा, शुक्र पर प्रभाव होगा, तब तक जातक प्रेम संबंध की ओर अग्रसर होता है और आगे जाकर के प्रेम विवाह भी करता है। नमस्कार।